जनपद पंचायत लखनादौन के साथ लिपिकीय वर्गीय कर्मचारियों द्वारा 23 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने भेदभाव करते हुए अलग अलग वेतन मान दे रही है, ऐसा सौतेला व्यवहार हमारे साथ ही क्यों, जबकि एक ही पोस्ट के पद पर समान कार्य समान समय पर कार्य कर रहे हैं। इस तरह हो रही विसंगतियों के कारण हमें हड़ताल करने को मजबूर होना पड़ रहा है और यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम निरंतर हड़ताल जारी रखेंगे। वहीं दूसरी ओर इनकी हड़ताल जारी होने से विगत 3 दिनों से कार्यालय का कार्य पूर्ण रूप से बंद पड़ा है। क्या पिछले 3 दिनों से आ रहा हूँ, बाबू लोग नहीं बैठे हैं ऑफिस में, हड़ताल में बैठे हैं, इस वजह से मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा है और बहुत बरसात हो रही है, उसके बाद भी मैं आता हूँ, मेरा काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर और मंत्रालय से हमारे कर्मचारी लिपिक वर्ग जो है सहयोगी साथी, वो मंत्रालय के बल्लभ भवन के पिछली 25 तारीख से और हम लोग जो लिपिक साथी हैं विकासखंड के और जिला स्तर के, वो 23 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और यह जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है यह जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम डटे रहेंगे, क्योंकि पिछले एक वर्ष से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय अनेक स्थल पर और अनेक सभाओं में आश्वासन देकर हमारी ये हड़तालों को समाप्त करते आए हैं और हम उनकी बातों को मानते आए हैं, परंतु उनकी इस हठधर्मिता के कारण और उनके झूठे आश्वासन के कारण इस बार हम डटे रहेंगे। लखनादौन से EMS TV के लिए रंजीत गोस्वामी की रिपोर्ट।